क्या वास्तव में ये झाड़ा लगाने से ठीक हो रोग उड़े? देखो कि ये केवल और केवल एक पाखंड है, एक ढोंग है, जो इन लोगों ने प्रारंभ करके अपने आप को बाबा साबित करके साधुओं की आड़ में ये जितने भी लोग प्रोपगंडा कर रहे हैं, ये केवल और केवल अपनी दुकानें चला रहे हैं, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। और अगर इन लोगों के जाड़े में दम है तो फिर कैंसर हॉस्पिटल हटवा दो, इन्हीं लोगों को बिठा दो। अगर इन लोगों में दम है तो ये मेडिकल कॉलेज सरकारें क्यों खोल रही हैं? ये साइंस की जगह जगह पर इतनी बड़ी बड़ी जो एक अनुसंधान केंद्रों के रूप में या प्रायोगिक और प्रायोजित रूप में सरकारें इतना मेहनत और इतना काम कर रही है, ये क्यों कर रही है? इन ढोंगी पाखंडियों को बिठाओ ना। जब पाकिस्तान की तरफ से भारत पर गोलाबारी होती है तब इन लोगों को आगे खड़ा कर दो, ये लोग वहाँ झाड़ा लगा के उस उनकी बंदूकों को AK-47 की गोली को निष्क्रिय क्यों नहीं कर देते? पहली बात तो समाज को ये समझने की आवश्यकता है कि बाबा और गृहस्थी में फ़र्क होता है। ये जितने लोग पकड़े गए हैं एक भी साधु नहीं है इनमें, ये सब के सब दो दो चार चार बच्चों के बाप हैं, सब पत्नी वाले हैं, सब बच्चे बाल बाल बच्चों वाले हैं। तो ये सब लोग अपने आप को बाबा बताकर इस समाज को ठगने का काम करने वाले लोग रहे हैं। उस पहुंचने के बाद में उन लोगों की जेब पर डाका यही लोग जो फर्जी लोग बैठे हैं बाबा बनकर, जबकि सारे के सारे गृहस्थी हैं, ये उनकी जेबों पर डाका डालते हैं, उनको लूटने का काम करते हैं, अपनी दुकानें चलाते हैं और ये लोग कहीं ना कहीं मशहूर हो जाते हैं। उनकी मशहूर होने के बाद लोग इनके चरण वंदना करने मात्र से ही अपने आप की कल्याण की अनुभूति लोग करते हैं, क्योंकि जिन लोगों की बुद्धि का विकास नहीं वो देश का विकास क्या खाक करेंगे? और कोई एक केंद्र आप चुन लेंगे उसके ऊपर अगर आप 100 पत्थर मारेंगे आँख बंद करके भी, तो 5, 7, 10 पत्थर तो आपके ऑटोमेटिक उस केंद्र के ऊपर, उस निशाने के ऊपर लग जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप निशानेबाज हैं। तो उससे मान लो 3 दिन के बाद तो ऑटोमेटिक ही बुखार उतर जाता है, और 3रे दिन अचानक वहाँ हम चले गए तो फिर बुखार तो ऑटोमेटिक ही ठीक होनी थी। तो मैं सोचूंगा कि ओहो, इसके झाड़े से ही मैं ठीक हो गया। ये लोग इतने बड़े स्तर पर कानून को चुनौती देते हुए काम कर रहे हैं, सरकार को भी चाहिए कि कड़े कानून बनाकर इन लोगों को जेल में डालें। भारत के अंदर रहने वाले ये लोग जो अंधविश्वास फैलाते हैं, जो जनता को बरगलाते हैं, जो झाड़ा के नाम पर, पूछा के नाम पर गांव गांव के अंदर 5-5, 10-10 लोग बैठे हैं, ये लोग आतंकवादियों से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार भी कहीं ना कहीं कड़वा रुख अपनाए, राजा को चाहिए कि कड़वे कानून बना करके इन लोगों के ऊपर कड़वी कार्रवाई करें। सभी साथियों का नमस्कार, मैं मंजीत कोथ आज श्री कालापीर मठ कोतकला में हाँ, और हमारे साथ है महंत सुकराई नाथ जी है जो यहाँ पीठाधीश्वर है। और एक काफ़ी चर्चा में विषय चल रहा है कि श्रीनिवास धाम है जो झाड़ा लगा रहा है, सत्यनारायण जी भगत जी है वो झाड़ा लगा रहे हैं, और इतनी दुनिया जुट रही है, एक सोशल मीडिया के सहारा है, वो मोबाइल फ़ोन में देखे हैं, रोड़ा पहुँचे हैं, तो हर तरह का झाड़ा लगा जा रहा है। कोई भी बड़ी तो बड़ी बीमारी हो, कोई छोटी हो, कैंसर तक का इलाज बताया जा रहा है कि झाड़ा तो ठीक हुए हैं। तो बात करेंगे महन जी से कि क्या ये सच्चाई है या फिर अंधविश्वास ढोंग है यो, तो सारी बातचीत महाराज जी से पूछेंगे क्योंकि ये भी पीर जी है। तो आदेश महाराज जी। आदेश महाराज जी, एक श्रीनिवास धाम है, सत्यनारायण जी भगत जी है, उड़ा एक भीड़ काफ़ी संख्या में जुट रही है, जो मातृशक्ति वह भी बहुत ज़्यादा संख्या में पहुँच रही है, क्या वास्तव में ये झाड़ा लगाने से ठीक हुआ रोग उड़े? देखो वहाँ के बारे में तो वहाँ की लोकल जनता ही आपको बता सकती है, लेकिन मैं मेरे अनुसार बताता हूँ आपको कि ये केवल और केवल एक पाखंड है, एक ढोंग है, जो इन लोगों ने प्रारंभ करके अपने आप को बाबा साबित करके साधुओं की आड़ में ये जितने भी लोग प्रोपगंडा कर रहे हैं, ये केवल और केवल अपनी दुकानें चला रहे हैं, इसके सिवाय और कुछ नहीं है। तो महाराज जी देखा, कुछ ना कुछ उसमें चंदा चढ़ा हुआ है, लगभग लाखों रुपये की आमदनी भी है, तो क्या उस तय उसे ना फायदा लग गया कि जो लोग जा रहे हैं उनका भी कुछ फ़ायदा हुआ है? देखो ऐसा है, आप एक अनभिज्ञ और अजनबी आदमी को भी आप बिठा देंगे एक जगह, और कोई एक केंद्र आप चुन लेंगे उसके ऊपर अगर आप 100 पत्थर मारेंगे आँख बंद करके भी, तो 5, 7, 10 पत्थर तो आपके ऑटोमेटिक उस केंद्र के ऊपर, उस निशाने के ऊपर लग जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप निशानेबाज हैं, वो तो एक प्राकृतिक विधा है कि आप अगर कोशिश कर रहे हैं तो सारे दिन अगर आप पूरे दिन लगातार लग रहे हैं तो 5-10 पत्थर तो निशाने पर लगेंगे। तो जिनके वो निशाने पर लग जाता है, अर्थात मान लो मेरे को बुखार है और मैंने उससे दवाई ली या झाड़ा लगवा लिया उससे, तो उस पाखंडी ने मान लो अपना वो जो भी ऐसे हाथ करता है या कुछ भी ढोंग करता है, ये लोग चिलम की साफी भी ऐसे करते हैं, तो उससे मान लो 3 दिन के बाद तो ऑटोमेटिक ही बुखार उतर जाता है, और 3रे दिन अचानक वहाँ हम चले गए तो फिर बुखार तो ऑटोमेटिक ही ठीक होनी थी। तो मैं सोचूंगा कि ओहो, इसके झाड़े से ही मैं ठीक हो गया, मेरी नज़र में वो भगवान हो गया और अविद्या के कारण हो गया। तो लोगों में अविद्या है, और अगर इन लोगों के झाड़े में दम है तो फिर कैंसर हॉस्पिटल हटवा दो, इन्हीं लोगों को बिठा दो। अगर इन लोगों में दम है तो ये मेडिकल कॉलेज सरकारें क्यों खोल रही हैं? ये साइंस की जगह जगह पर इतनी बड़ी बड़ी जो एक अनुसंधान केंद्रों के रूप में
या प्रायोगिक और प्रायोजित रूप में सरकारें इतना मेहनत और इतना काम कर रही है, क्यों कर रही है? इन ढोंगी पाखंडियों को बिठाओ ना, जब पाकिस्तान की तरफ से भारत पर गोलाबारी होती है तब इन लोगों को आगे खड़ा कर दो, ये लोग वहाँ जाड़ा लगा के उस उनकी बंदूकों को AK-47 की गोली को निष्क्रिय क्यों नहीं कर देते? ये सब ढोंग करते हैं। जो कैंसर को निष्क्रिय करने का काम कर सकता है वो AK-47 की गोली को भी निष्क्रिय कर सकता है, क्यों नहीं कर रहे लोग? महाराज जी, लंबी लंबी लाइन लग रही है, बहुत ज़्यादा संख्या में भीड़ जुटन लग रही है। मातृशक्ति की बात करा वाई बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर देखा है, तो के ऐसा हो रहा है? वो भीड़ किन लोगों की है? वो IPS और IAS नहीं है वो भीड़ में। वो भीड़ जिन लोगों की है वो भीड़ MBBS नहीं है। वो भीड़ के अंदर जो लोग हैं ना, वो प्रैक्टिकल जीवन जीने वाले आधारभूत व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो लोग हैं बेचारे जो गरीब परिवार के लोग हैं, जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको विद्या नहीं है, जिनको मतलब धर्म की परिभाषा का भी ज्ञान नहीं है, जिन लोगों को पाखंड की परिभाषा का भी ज्ञान नहीं है, जिन लोगों को वेद की विद्या और व्याकरण का ज्ञान नहीं है, वो लोग हैं जिनकी बुद्धि का जबरदस्त उच्च स्तर से मान लो विकास है। ऐसे विकसित बुद्धि के लोग तो भीड़ में नहीं है। भीड़ में केवल और केवल वो लोग हैं जो लोग बेचारे 300 रुपये की 400 रुपये की दिहाड़ी करते हैं और दिहाड़ी करके शाम को खा लेते हैं, सुबह उठ जाते हैं। उन लोगों को करोड़पति बनाने के सपने ये लोग दिखाते हैं, तो वो गरीब लोग सोचते हैं हम इनके शरण में जाएंगे, ये हमें कोई ऐसा मंत्र दे देंगे कि इनके मंत्र से हम जीवन को जल्दी अमीर बना लेंगे, हम अमीर हो जाएंगे या हम धन धान्य से संपन्न हो जाएंगे। तो वो भीड़ को मत देखिए, भीड़ के अंदर विकसित मानसिकता के लोग और शिक्षित मानसिकता के लोग कितने हैं और मंजीवी खोपड़ी के लोग कितने हैं, ये देखना आपको ज़रूरी बनता है। क्योंकि जिन लोगों की बुद्धि का विकास नहीं, वो देश का विकास क्या खाक करेंगे? तो ऐसे लोगों की भीड़ को देखिए, ना कि एक साधारण गरीब लोगों की भीड़ या भ्रमित लोगों की भीड़। वो भीड़ भ्रमित लोगों की। महाराज जी, देखा जाए पहला भी बहुत से उदाहरण इसे है, संत कहो था कोई, बाबा कहो था कोई, भगत कहो था, आसाराम हो गया, संत रामपाल जी हो गए, और जो सिरसा वाले थे वो हो गए, तो वो भी कहीं ना कहीं उन पर रेप केस लगे हैं, वही पकड़े गए, समाज क्यों नहीं जागरूक हो रहा? देखिए, पहली बात तो समाज को ये समझने की आवश्यकता है कि बाबा और गृहस्थी में फ़र्क होता है। ये जितने लोग पकड़े गए हैं एक भी साधु नहीं है इनमें, ये सब के सब दो दो चार चार बच्चों के बाप हैं, सब पत्नी वाले हैं, सब बच्चे बाल बच्चों वाले हैं। तो ये सब लोग अपने आप को बाबा बताकर इस समाज को ठगने का काम करने वाले लोग रहे हैं, ये सब के सब गृहस्थी लोग हैं। तो समाज पहली तो इस बात को समझे, दूसरी बात ये समाज ऐसा क्यों कर रहा है? ये समाज ऐसा इसलिए कर रहा है कि इन लोगों में वैदिक विनय नहीं है, वेद का ज्ञान नहीं है, इन लोगों के अंदर सांस्कृतिक समन्वय नहीं है, इन लोगों की खोपड़ी के अंदर व्याकरण का ज्ञान नहीं है, इन लोगों में गुरुकुल की शिक्षा नहीं है, इन लोगों में ऋषियों तपस्वियों मुनियों उनका मनन नहीं है, बल्कि ये लोग बेचारे भ्रमित लोग हैं। तो इन भ्रमित लोगों का दिमाग बिल्कुल छोटे स्तर का दिमाग होता है। तो निचले स्तर का जो दिमाग होने के कारण ये लोग इनके जो बड़े बड़े लुभावने जो वादे होते हैं उन वादों के अंदर और उनकी लुभावनी क्रिया प्रतिक्रियाओं के अंदर वो उलझ जाते हैं और उलझ करके इन लोगों के पास भीड़ बना लेते हैं, और वो भीड़ों इतनी बड़ी भीड़ को देखकर उसका मसीहा बन जाता है और सारे दिन झूठ कपट करता रहता है। 5, 10, 20 तो वैसे ही ऑटोमेटिक ठीक हो जाते हैं। वो 5, 10 जो ठीक होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से ठीक होते हैं, वो लोग फिर उनके प्रचारक बन जाते हैं, कुछ यूट्यूबर उनके प्रचारक बन जाते हैं, और वो प्रचार इतना हो जाता है, सोशल मीडिया से लोग प्रभावित हो जाते हैं और प्रभावित होकर इन लोगों के पास पहुंचते हैं, और उस पहुंचने के बाद में उन लोगों की जेब पर डाका यही लोग जो फर्जी लोग बैठे हैं बाबा बनकर, जबकि सारे के सारे गृहस्थी हैं, ये उनकी जेबों पर डाका डालते हैं, उनको लूटने का काम करते हैं, अपनी दुकानें चलाते हैं, और ये लोग कहीं ना कहीं मशहूर हो जाते हैं। उनकी मशहूर होने के बाद लोग इनके चरण वंदना करने मात्र से ही अपने आप की कल्याण की अनुभूति लोग करते हैं। तो ये एक अंधविश्वास ढोंग और पाखंड है जिसकी बदौलत इस देश को बर्बाद होने, पिछली 786 साल हमने देखा जब देश बर्बाद हुआ, 200 साल अंग्रेजों के समय में जब भी हम लोग बर्बाद हुए, अंधविश्वासों में हम लोग घुसते रहे तभी तो हम बर्बाद हुए। दूसरी बात कि ये लोग इतने बड़े स्तर पर कानून को चुनौती देते हुए काम कर रहे हैं, सरकार को भी चाहिए कि कड़े कानून बनाकर इन लोगों को जेल में डालें, और ये जितने अंधविश्वास फैला करके लोगों को बड़ी मात्रा के अंदर भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। हमारे देश के लिए मुसलमान इतना खतरनाक नहीं है जितना ये लोग ज़्यादा खतरनाक है। मुसलमानों से भी ज़्यादा खतरनाक अगर कोई भारत में है तो भारत के पेट में अर्थात भारत के अंदर रहने वाले ये लोग जो अंधविश्वास फैलाते हैं, जो जनता को बरगलाते हैं, जो झाड़ा के नाम पर पूछा के नाम पर गाँव गाँव के अंदर 5-5, 10-10 लोग बैठे हैं, ये लोग आतंकवादियों से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ़ सरकार भी कहीं ना कहीं कड़वा रुख अपनाए, राजा को चाहिए कि कड़वे कानून बना करके
इन लोगों के ऊपर कड़वी कार्रवाई करें। महाराज जी, इस देश का संविधान है, शासन प्रशासन इस बात को नहीं मानता कि जो ये पाखंड कर रहे हैं, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सरकार की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं? कार्रवाई जब होगी, जब जितनी भारी संख्या के अंदर ये लोग उठकर इन पाखंडियों के पास जा रहे हैं, इतनी ही भारी संख्या में एक जन आंदोलन उठे और इन पाखंडियों से ग्रस्त लोग उठें और उठ करके बताएं कि हमारे साथ इन लोगों ने ये गलत किया है, बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया से FIR दर्ज कराएं, तब तो कानून कार्रवाई करेगा। अब आप अपनी मर्जी से कहीं जाकर लूट के आ रहे हैं, कानून को बताए ना रहे, तो उसमें कानून क्या करेगा? आप कानून के पास जाइए, कानून का पंजा आप इन लोगों पर चलाने के लिए सबसे पहले कानून को आप शिकायत दें, लेकिन लोग शिकायत नहीं करवा रहे, लोग इनसे डरते हैं, इनके पूछा से डरते हैं, इनके जो तंत्र मंत्र के नाम पर जो ये लोग लोगों को डराने का काम कर रहे हैं उनसे ये डर जाते हैं। अब अखबारों के अंदर ऐड आती हैं, अखबारों के अंदर क्लासिफाइड न्यूज़ आती है, किसी पति पत्नी को बस में करवाएं, किसी लड़का लड़की को बस में करवाएं, वसीकरण करवाएं, मूठकरनी करवाएं, काला जादू कराएं, इलम करवाएं, किसी की मौत करवाएं, इस प्रकार के लुभावने विज्ञापनों के माध्यम से नौजवान पीढ़ी को ये लोग अपनी ओर आकर्षित करके भ्रमित करने के सिवाय और कुछ नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो केवल अपनी जेब भर रहे हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप जैसे युवाओं को, यूट्यूबरों को और जितने भी सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले लोग हैं, उनको एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर भी और धरातल पर भी एक आंदोलन चलाना होगा, और उस आंदोलन के तहत ये लोग जेलों के अंदर जाएंगे, सलाखों के पीछे जाएंगे, अन्यथा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सरकारें और शासन प्रशासन तभी सक्रिय होगा जब जनता सक्रिय होगी। महाराज जी, लास्ट में समाज में क्या मैसेज देना चाहूँगा? समाज को मैं ये संदेश दूंगा कि देखिए, गांव-गांव के अंदर जो ये कृतघ्नता ऐसे लोग कर रहे हैं, जो 10-10 5-5 पूछा वाले हर गांव में बैठे हैं, उनकी अमानवीयता और उनके इन कुकृत्यों की आप वीडियो बनाइए, प्रूफ तैयार कीजिए, इन पाखंडियों के डकौंसलों और अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों की आप वीडियो बना करके आपके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाइए, और आपको मेरे से भी कोई मदद चाहिए इस मामले में तो मैं पूरी मदद करूँगा, किसी भी प्रकार की मदद हो आप जाइए, डरिए मत, घबराइए मत, कानून आपकी रक्षा करेगा, और कानून में जाकर के कानूनी प्रक्रिया से आप इनको दंडित कराने के लिए आप फैसला लीजिए और इनके खिलाफ FIR कराइए। मैं आपके बिल्कुल कोथमठ परिवार आपके साथ है, और आप अपने घरों के अंदर यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए, धार्मिक वेद उपनिषद दर्शन जैसे ग्रंथ रखिए, अपने बच्चों को ये वैदिक ग्रंथ मोक्ष ग्रंथ पढ़ाइए, क्योंकि वेद पढ़ने का सबसे अच्छा फायदा ये है कि वो भ्रमित नहीं होगा जिसने वेद पढ़ा है। तो जो वेद वैदिक विद्या को जो व्यक्ति पढ़ेगा वो कहीं ना कहीं अंधविश्वासी ढोंगी और पाखंडियों के खिलाफ एक ज़बरदस्त लोहा बन करके, एक ढाल बन करके, और इनके खिलाफ एक तलवार बन करके और AK-47 की एक बुलेट बन करके सिद्ध होगा। तो आप आइए और वेद को पढ़िए, और आप भ्रम फैलाने वाले लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाइए, एक आंदोलन बनिए। शुभकामनाएं। धन्यवाद। शुभकामनाएं जी। धन्यवाद। देखो, ये थे महाराज जी, जो बातचीत करी है उसमें आपका के कुछ मानना है, के आपके सोच विचार है, क्योंकि जो श्रीनिवास धाम में झाड़ा लग रहा है, हर प्रकार के रोग ठीक करे जा रहे हैं, इनको हमें दावा कर रहे हैं भाई ठीक होवेंगे, उस पर महाराज जी की प्रतिक्रिया ली है, तो आपका के कुछ मानना, अपने सोच विचार नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दियो। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, लोगों को जागरूक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और आपका ये चैनल गजब हरियाणा, इस चैनल को अभी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को जो अंधविश्वास के खिलाफ काम कर रहा है आप लोग बढ़ावा दें, और इस चैनल को आप लोग सपोर्ट करें, क्योंकि ये समाज जागरूकता का एक विषय है, इसके अंदर चर्चा होनी चाहिए, और ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं सपोर्ट की आवश्यकता होती है, तो जनता ऐसे लोगों को सपोर्ट करें। धन्यवाद।